हेलो दोस्तों, सीएनसी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए आज और एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक के अंदर हमें एक ही पेज में हमें दो प्रोग्राम या नंबर ऑफ प्रोग्राम एट ए टाइम किस तरह से ओपन करने हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को एक पेज में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स या दो प्रोग्राम्स ओपन करने पड़ते हैं ताकि कंपैरिजन करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में कुछ प्रोग्रामिंग का पार्ट हमें कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ता है। उस केस में हम लोग फोटो निकालते हैं प्रोग्राम का, या प्रोग्राम लिख के लेते हैं और दूसरे पेज के अंदर हम लोग प्रोग्राम वो टाइप करते हैं। उस केस में पहले वाले प्रोग्राम को और दूसरे वाले प्रोग्राम को जिस समय हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारे कंपेरिजन में कुछ ना कुछ रह जाता है, और रह जाने से हमारा बहुत बड़ा आगे डिफिकल्टी आ सकती है। एक भी कोड सीएनसी प्रोग्रामिंग में कम या ज्यादा हो गया तो कुछ भी हो सकता है, ये आप सबको पता है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि एक ही स्क्रीन में एक या दो या नंबर ऑफ प्रोग्राम किस तरह से ओपन करने हैं। हमारा टॉपिक आज का है कि एक स्क्रीन में दो या ज्यादा प्रोग्राम किस तरह से ओपन करने, वो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से ओपन करने में। इस साइज से स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा कि दो प्रोग्राम आप ओपन कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारे टॉपिक के अंदर अभी मेरे सामने जैसा कि आपको पता है, ये हमारा होम स्क्रीन, ये हमारा मशीन का होम स्क्रीन रहता है। मशीन के होम स्क्रीन के बाद हमें प्रोग्राम मैनेजर स्क्रीन के ऊपर जब हम लोग क्लिक करते हैं, प्रोग्राम मैनेजर बटन हम जो जब दबाते हैं तो हमारे सामने पार्ट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम और वर्कपीस नाम के ये तीन हमारे सामने ड्राइव्स ओपन होते हैं, जिस प्रकार से कंप्यूटर में रहते हैं। उस ड्राइव के अंदर हमारे सामने कुछ प्रोग्राम है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के अंदर हमें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर हमें कंपैरिजन में प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करना है, ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में हम लोग प्रोग्राम किस तरह से ओपन करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो प्रोग्राम को हमें कंपेयर करना है वो प्रोग्राम, और जिस प्रोग्राम के साथ कंपेयर करना है वो प्रोग्राम, में दो प्रोग्राम हमें सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कोई भी प्रोग्राम मैं ले लेता हूं। मेरा प्रोग्राम लेता हूं मैं STEP2 नाम का प्रोग्राम में लेता हूं। ये प्रोग्राम को मैं ओपन करता हूं, जस्ट आई विल प्रेस योर ओपन बटन। एक बार मेरा ये प्रोग्राम बटन ओपन होते ही मेरे सामने पूरा स्क्रीन दिखेगा, राइट। उसके बाद हमें जिस प्रोग्राम के साथ या जिस प्रोग्राम को हमें एक ही स्क्रीन पे और एक बार लाना है, वो प्रोग्राम को हमें ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ओपन करने के लिए कट के नीचे जो एरो की है वो की को प्रेस करना पड़ेगा। कट के नीचे वाले एरो की को आप प्रेस करते ही आपके सामने ओपन फर्दर प्रोग्राम रीनंबरिंग ऑप्शन के नीचे ओपन फर्दर प्रोग्राम, क्या ओपन फर्दर प्रोग्राम नाम का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑप्शन आप प्रेस कर देना। वो ऑप्शन आप प्रेस करते ही आपके सामने एक वीडियो ओपन आ जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा सॉरी। ये विंडो के अंदर आप जो प्रोग्राम के साथ आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को आपको कंपेयर करना है वो प्रोग्राम आप ओपन कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम ओपन कीजिए, मैं अभी दूसरा प्रोग्राम ओपन करता हूं। मैं प्रोग्राम करता हूं ओपन 3 नाम का, 3.mpf, या कोई भी एक प्रोग्राम ओपन करते हैं हम लोग। जस्ट प्रोग्राम के ऊपर ये नेविगेशन की के थ्रू हम लोग प्रोग्राम को ऊपर हम लोग कर्सर लाते हैं। कर्सर लाने के बाद आई विल जस्ट से हियर ओके। मैं ओके बोलते ही जिस प्रोग्राम को मेरा STEPPRG2 नाम का मेरा प्रोग्राम है, ये और इधर STEP2, ये दोनों प्रोग्राम अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम का एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है, जस्ट अभी एक ही संबंध है कि ये दोनों प्रोग्राम को हमें एक दूसरे से कंपेयर करना है ताकि हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अभी हमारे सामने जो स्क्रीन के ऊपर दो प्रोग्राम दिख रहे, प्रोग्राम एक यहाँ पे दिख रहा है, प्रोग्राम दो यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपके सामने दिक्कत होगी कि हमें यहां से यहां और यहां से यहां किस तरह से जंप करना है। तो जंप करने के लिए हमें नेक्स्ट विंडो नाम का जो बटन दिखता है अलार्म कैंसल के बाजू में, नेक्स्ट विंडो नेविगेशन की के अंदर नेक्स्ट विंडो नाम का जो आपका ऑप्शन दिखता है ऑप्शन आपको जस्ट प्रेस करना है। आप एक बार प्रेस करोगे तो आप इस साइड में जाओगे, दूसरी बार और एक बार प्रेस करोगे इस साइड में जाओगे, मीन्स इधर इधर आपको दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का जो ए है कर्सर, वो आपका इधर या इधर ब्लिंक होगा, जिधर आप उसको प्रेस करोगे उधर साइडो ब्लिंक होगा। अभी मुझे ये प्रोग्राम का कुछ डेटा, अभी ये प्रोग्राम के अंदर मुझे, मेरे पास साइकिल्स नहीं है तो ये प्रोग्राम से मुझे साइकिल्स डालने हैं और कुछ कोड्स भी डालने हैं। तो मैं प्रोग्राम से अंदर डालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये प्रोग्राम के अंदर मैं साइकिल बटन जो है वो साइकिल बटन के ऊपर मेरा मैं कर्सर लेके आता हूं, और कर्सर लाने के बाद आई विल जस्ट से हियर कॉपी।
आई विल जस्ट से हियर कॉपी, मुझे यहां से इधर कुछ डेटा चाहिए और इधर से इधर कुछ डेटा चाहिए, आई विल जस्ट से कॉपी। कॉपी करने के बाद मुझे इधर इस प्रोग्राम के अंदर वो एक साइकिल बटन, साइकिल का जो कोड है हमें वो कॉपी करना है। तो क्या करना है, यम थ्री के बाद हमें इसको पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट विंडो, नेक्स्ट विंडो करने के बाद कर्सर नीचे लेके आना है। अभी ये देखो, यही हमें समझ में आना चाहिए कि हमें किसके बाद कॉपी करना है, यम थ्री के बाद कॉपी करना है। तो यम थ्री के बाद मैं एक बार इनपुट बटन दबा देता हूं, यहां पे हमें यम थ्री के बाद हमें साइकिल दिख रही है। आई विल जस्ट हियर कम हियर एंड आई विल जस्ट से पेस्ट। देखिए इधर का जो 951 साइकिल था वो इधर कॉपी पेस्ट हो गया, हो गया, दिख रहा है आपको, इधर का जो 951 था वो आपका इधर कॉपी हो गया। आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, अभी रफिंग टूल है, उसके बाद आरपीएम है, एम थ्री, दूसरी साइकिल, अभी दूसरी साइकिल भी डाल सकते हैं हम लोग, दूसरी साइकिल भी डालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इधर का कॉपी इधर कर सकते हैं। अभी हमें समझो कोई कोड और कॉपी पेस्ट करना है, तो हम लोग एक कोड के ऊपर जाते हैं, कोड के ऊपर जाने के बाद हमें इधर का कोड कट पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी और कट पेस्ट करने के लिए किस तरह से हम लोगों को सेपरेट इसके ऊपर वीडियो बनाया है मैंने, आप वीडियो रेफर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि आपको कॉपी पेस्ट किस तरह से करना है। आई विल जस्ट से कट एंड आई विल गो हियर नेक्स्ट विंडो, मुझे जहां पे पेस्ट करना है वहां पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, सी पेस्ट। ओके इस तरह से हम लोग दो प्रोग्राम एट ए टाइम ओपन कर सकते। अभी आपके सामने और एक प्रॉब्लम है कि अभी हमने प्रोग्राम ओपन किया, अभी हमें जो प्रोग्राम रन करना है वो प्रोग्राम किस तरह से समझे। तो प्रोग्राम रन करना है, उस प्रोग्राम के ऊपर हमारा कर्सर लेके जाने का, उस प्रोग्राम के ऊपर हमें कर्सर लेके जाने के बाद हमें जस्ट क्लोज बटन दबाना है। यहाँ पे ये जो कट के नीचे बटन दिख रहा है इसको प्रेस करो, क्लोज बोल दो। अपन क्लोज करने के बाद जिस प्रोग्राम के अंदर जो दो प्रोग्राम थे उसके अंदर हमारा जिस प्रोग्राम के ऊपर हमारा कर्सर था उसके ऊपर आने के बाद जब हम लोग क्लोज बटन प्रेस करते हैं तो दूसरा प्रोग्राम हमारे सामने ओपन होता है जो कि जिसके के ऊपर हमारा कर्सर नहीं था। समझ में आ रही है बात, और एक बार करके दिखाओ, प्रोग्राम मैनेजर ओपन, इसको ओपन करने के बाद इसको एक की दबाने का, क्लोज कट के नीचे का एक्सटेंशन की दबाने के बाद ओपन फर्दर प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम के ऊपर जाना है प्रोग्राम के ऊपर जाइए, इसे ओके कीजिए, दो प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। अभी जिस प्रोग्राम को हमें स्क्रीन के ऊपर रखना है, जिस प्रोग्राम को हमें रन करना है, वो प्रोग्राम के ऊपर आप जस्ट कर्सर लेके जाओ, ये कर्सर इधर आ गया, ताकि अभी मेरा ए प्रोग्राम रहेगा स्क्रीन के ऊपर, ये क्लोज हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं लेके आता हूं और आई विल जस्ट प्रेस हियर क्लोज। इस प्रकार से मेरा जो प्रोग्राम मेरा जिसके ऊपर मेरा कर्सर नहीं था वो प्रोग्राम मेरा क्लोज हो जाएगा, ओपन रहेगा, सॉरी वो प्रोग्राम मेरा ओपन रहेगा। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस पीसी इसमें कि हम लोग नंबर ऑफ प्रोग्राम एक ही इसमें एक ही स्क्रीन के ऊपर एज लाइक बुक किस तरह से ओपन करते। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग अभी दो प्रोग्राम एक स्क्रीन के ऊपर ओपन कर सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। अभी नंबर ऑफ प्रोग्राम दो से तीन, तीन से चार, पांच, छह प्रोग्राम अगर हमें एक ही स्क्रीन के ऊपर ओपन करने हैं तो किस तरह से करते हैं? आप लोग बोलोगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिस प्रकार हम जिस समय हमको एक प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करने के लिए, एक प्रोग्राम को कंपेयर करने के लिए हमें दो से ज्यादा प्रोग्राम को हमें स्टडी करना पड़ता है, दो से ज्यादा प्रोग्राम को हमें कंपेयर करना पड़ता है, उसी केस में हम लोग दो से ज्यादा प्रोग्राम एक ही समय पे ओपन करके इस प्रोग्राम से थोड़ी कोडिंग, इस प्रोग्राम से थोड़ी कोडिंग और इस प्रोग्राम से थोड़ी कोडिंग, इस तरह से हम लोग दो तीन कोडिंग प्रोग्राम का ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसे कंपेयर करेंगे, इसे इस प्रकार से हम लोग इसे करेंगे। तो सबसे पहले वो इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट मेथड है, वो मेथड मैं आपको बोलता हूं। आपको इसमें आपको एक लिमिटेशन भी ऐसा है कि जब आप ये करोगे तब आपके सामने वो जो प्रोग्राम आप जब कंपेयर कर रहे हो वो सभी प्रोग्राम आपके एक ही लाइन में चाहिए। मींस ए फोल्डर में कुछ प्रोग्राम है, ए फोल्डर में कुछ प्रोग्राम है, नहीं चलेगा। वो सब प्रोग्राम आपके जो जितने आपके प्रोग्राम है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो, जिस प्रोग्राम्स को आप एक ही टाइम पे ओपन करना चाहते हो, वो सब प्रोग्राम आपके एक ही लाइन में चाहिए, एक के नीचे एक चाहिए और एक ही फोल्डर में चाहिए। ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। जिस समय हम ओपन फर्दर प्रोग्राम, इससे पहले का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे तो किधर का भी प्रोग्राम हम लोग ओपन कर सकते थे, बट अगर नंबर ऑफ प्रोग्राम आपको ओपन करने हैं तो उस केस में आपके सामने सभी प्रोग्राम जितने आप ओपन करना चाहते हो उतने सभी प्रोग्राम आपको एक ही लाइन में ओपन, एक ही लाइन में आपको प्रोग्राम चाहिए। अभी देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक दो तीन स्टेप टू और स्टेप प्रोग्राम टू और टेसा नाम के सभी प्रोग्राम को मुझे ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूं, या हम एक दो तीन चार, चार प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, पहले प्रोग्राम के ऊपर लेके जाता हूं कर्सर को,
मार्क करता हूं और जस्ट कर्सर नीचे लेके आता हूं, 2 3 4 चार प्रोग्राम के ऊपर मैं कर्सर नीचे लाने के बाद जस्ट सिंपली मुझे ओपन बटन प्रेस करना है। आप जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, 1 2 3 और ASTEP 2 ये चार प्रोग्राम आपके सामने एज लाइक बुक ओपन हो गए, जैसा कि हमारे सामने किताब होती है उस तरह से मेरे सामने ये प्रोग्राम ओपन हो चुके। अभी मैं सभी प्रोग्राम को एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर सकता हूं। अभी समझो मुझे यहां पे ए एक साइकिल है, यहां पे एक साइकिल है हमें G96S500 एक मुझे कोड ए प्रोग्राम नंबर STEP2 में डालना है। तो मैं इसे क्या करता हूं, इसे मैं कॉपी कर देता हूं, कॉपी करके नेक्स्ट विंडो STEP2 जहां पर डालना है टूल के बाद डालना है। आई विल जस्ट हियर इनपुट एंड आई विल जस्ट हियर पेस्ट, यहां पे कोड आ गया। अभी मुझे ये STEP2 प्रोग्राम के अंदर मुझे यहां का इस सेकंड प्रोग्राम के अंदर M3 ये नाम का ऑप्शन है, बटन है M3, नहीं तो ये हमारे STEP2 के प्रोग्राम के अंदर हमें AM5 है। ओके AM5 है, AM5 या M3 हमें लेना है, तो मैं सबसे पहले M3 लेता हूं, कोई भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, M3 लेता हूं। M3 के ऊपर आता हूं, कॉपी करता हूं, नेक्स्ट विंडो और आई विल से पेस्ट, आई विल से हियर पेस्ट। ओके उसके बाद अगेन हमें ये सेकंड थर्ड प्रोग्राम के अंदर हमारा कॉपी बटन, M5 था तो M5 कोड को हम लोग यहां से उधर लेके आते। सी यहां पे M5 M01 G75 कोड है, हम लोग इसे ये देखिए यहां पर लेके आता हूं, यहां पर लाने के बाद मार्क सभी को कोड को ले लिया मैंने, कॉपी किया, नेक्स्ट विंडो जहां पे मुझे पेस्ट करना है उसी केस में मैं यहां पे लेके आता हूं और यहां पे लाने के बाद आई विल जस्ट से हियर पेस्ट। कोई भी कोड, अभी मेरे पास ये कोड्स डबल हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कोई भी कोड आप ये प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम से तीसरे प्रोग्राम, मीन्स नंबर ऑफ प्रोग्राम से अंदर से हम लोग एक प्रोग्राम के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ कोड डालने हैं अलग अलग प्रोग्राम के अंदर से, तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पे ये कर सकते। जस्ट हमारे पास एक ही लिमिटेशन है कि ये करते समय हमारे सामने वो सभी प्रोग्राम एक ही लाइन में चाहिए ताकि हम लोग उसे मार्क कर सके। और पहले का जो टॉपिक था, पहले का जो हमारा फर्स्ट ए जो था उसके अंदर हमने देखा था कि हम लोग कहीं का भी प्रोग्राम ओपन कर सकते। ये वीडियो को आप रिपीट देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नंबर ऑफ न्यू टाइप के वीडियोज में आपके सामने लेके आऊंगा। ओके तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों के साथ हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।